बता रहे थे ना 26 को टिकरी के बारे में। हाँ, टिकरी से सुबह जैसे 8:30-9 बजे यहाँ से ट्रैक्टर मार्च जो स्टार्ट हुआ था और पूरी तरह से पीसफुली इसी तरीके से इसी रास्ते से जो रास्ता दिल्ली पुलिस और हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी तरफ से जो डिसाइड किया गया था उसी पे पीसफुली तरीके से किसान गए। और दूसरा, जो लोग लाल किले की जो घटना हुई है उनका संयुक्त किसान मोर्चे के साथ ना तो पहले कोई ताल्लुकात था और ना ही बाद में रहा है। उनका किसी संगठन के साथ जो संयुक्त किसान मोर्चे में है उनके साथ कोई वास्ता नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही क्लियर कर चुका था कि हमें जो हमने मीटिंग में जो रास्ता डिसाइड किया है उसी रास्ते पे जाएंगे और उसी रास्ते पे संयुक्त किसान मोर्चा गया। किसान संगठन बहुत बढ़िया तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जो हमारे किसान लीडर थे उन्होंने। जैसे आप दीप सिद्धू की बात कर रहे हैं, दीप सिद्धू का किसान संगठनों के साथ कोई वाह वास्ता नहीं था। आपने भी सुना होगा, फोटोज वगैरह भी देखी होगी कि पहले तो बीजेपी के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ाव था उसका, जैसे अमित शाह से मिलना सरकार में होम मिनिस्टर बनने के बाद और प्राइम मिनिस्टर से मिलना। आप सुन सकते हो कि कोई आम नॉर्मल आदमी तो प्राइम मिनिस्टर से मिल ही नहीं सकता। अब किसान कितने दिनों से कितने महीनों से यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे की जो कमेटी है अभी तक पीएम साहब मिले नहीं हैं उनसे। और दीप सिद्धू के जब आप देख सकते हैं कि जब भी दीप सिद्धू मिलना चाहता था और अब भी हम सोच रहे हैं कि बीजेपी इस आंदोलन को खराब करने के लिए ही ये सब कर रही है। आप देखिए कि कितने किसान आगुओं पे जो FIR वगैरह हुई थी लेकिन अरेस्ट दीप सिद्धू को की गई। सरकार चाह रही है कि किसी न किसी तरीके से हम 26 तारीख की जो घटना हुई थी उसमें कामयाब नहीं हो सके, लेकिन अब सरकार की मंशा जहां तक मेरा अपना सोचना है, सरकार चाह रही है कि दीप सिद्धू को एक हीरो की तरह से पेश किया जाए। एक परली साइड वाला, नहीं तो आप सोच सकते हैं कि 2 दिन पहले दीप सिद्धू बोल रहा है कि मैं बैक साइड वाले सरेंडर करूंगा उसकी दीवार के बिल्कुल, और 2 दिन बाद दिल्ली पुलिस उसको पकड़ती है। पहले जीरकपुर से बोला जाता था कि जीरकपुर से उसको अरेस्ट किया गया, उसके बाद करनाल बोल रहे हैं कि रोड पे था वो। आप इस बात को भी समझ सकते हो कि जिस आदमी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम हो, इनामी ऐलान किया हो जिसको दिल्ली पुलिस ने, और वो आदमी ऐसे ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे कैसे बनाता था और फिर करता था, क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमी है कि उसको कुछ पता ही नहीं चला। तो न्यूज़ में ऐसी पिक्चर दिखाई गई है जबकि सारे किसान अपनी कृपान लेके चले हैं और जितने भी पुलिस ने बैरिकेड खड़े करे थे वो सब अपने ट्रैक्टर से तोड़ के वो आगे बढ़े हैं। तो ये